सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, जो फंक्शन आयोजन किया गया है जी रोटरी क्लब के द्वारा, तो क्या कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, आपने स्वागत किया मंच पे, परफॉर्मेंस के पहले आपके साथ परफॉर्मेंस करने का अवसर दिया रोटरियंस ने, उसका धन्यवाद। रोटरी क्लब का ये मेला है ज़बरदस्त भांडुप में 3 दिन का, और ओपनिंग हमसे हो रही है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मेरे साथ 2 फेमस कवि और हास्य कलाकार आए हैं, दिनेश बावरा जी और राजकुमार रेंचो, राजा रेंचो। हम तीनों मिलकर हंसाएंगे, और आजकल ना हंसी की बहुत कमी हो गई है, हंसना चाहते हैं। भांडुप जैसी जगह में अब हम आए हैं, रोटरियंस ने बुलाए हैं, तो मैं रोटरी क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे टेंशन के दौर में सबको हंसाने के लिए बुलाए, और हमको बुलाए हैं कि आप एंटरटेनमेंट कीजिए। तो आज एंटरटेन की बहुत जरूरत है जी, कि हंसाना आसान काम नहीं है। नहीं, तो आज परफॉर्मेंस किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार आपको देखा जी, बहुत बार देखा होगा, उससे ये अलग है। जवाब भी देंगे, उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, उनके साथ खेलेंगे हंसाएंगे, बच्चों को, बड़ों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, 3 पीढ़ी देखकर हमको हंसती है। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो जब हमारा आया था, 18 साल हो गए, तो जो बच्चों ने हमको सुने थे वो जवान हो गए, जो जवानों ने सुने वो बुजुर्ग हो गए, और जिन बुजुर्गों ने हमको सुना था भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, 3 पीढ़ियों को हंसा रहे हैं भैया, और बहुत आशीर्वाद मिला है आपसे बात करके हमको, बहुत अच्छा लगा जी। और कुछ है आपके पास बात जी? जब आप उस समय में जब कॉमेडी शो करते थे या जब हंसाते थे, उस दौर में और इस दौर में आपको अभी क्या अंतर दिखाई देता है, क्योंकि काफी कॉमेडियंस अब आ गए जी, तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है? नहीं, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि कॉमेडी की दुनिया बड़ी विशाल हो गई है, कॉमेडियन अच्छा पैसा ले रहे हैं, करोड़ से ऊपर कोई कॉमेडियन लेकर हमने सपने में नहीं सोचे थे, लेकिन कपिल ने वो सपना भी पूरा किया, अब करोड़पति और अरबपति हो गया, अब खुद प्रोड्यूसर है, वो खुद फिल्में बना लेता है। तो कॉमेडी बहुत हाइप मिली है, बहुत ऊंचाई मिली है कॉमेडी को, जिस समय हमने शुरू किया था उस टाइम ही पब्लिक का वो आशीर्वाद मिला, हम समझ गए अब कॉमेडी की दुनिया शुरू हो गई है। 5 सीजन आ गए द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के, कॉमेडी सर्कस आ गया, वो कॉमेडी पे एक ना एक शो चलता रहता, और अभी तक हम देख रहे हैं 10 साल से ऊपर जो शो चल रहे थे उनमें भाभी जी घर पे है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैमिली बैठ के देखती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि कॉमेडियंस को एक अच्छा मौका मिला है ना जी। बिल्कुल सर, जैसे अभी 15 दिन बचा है न्यू ईयर आने वाला, तो कभी ऐसे आप मतलब देख सकेंगे आपके फैंस आपको टीवी पे वापस कुछ करते हुए, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आगे हम देखेंगे नए साल में? हाँ, नए साल के लिए 3-4 टीवी ने हमको बुलवाया है, दूरदर्शन का ऑफर तो हमेशा ही रहता है, तो जब 12 कोई सा भी चैनल लगाओ तो कोई ना कोई कॉमेडियन कहीं दिख रहा है, तो मैं भी आपको 31st की नाइट, नए साल की ओपनिंग में हम 1 तारीख के सुबह सुबह आपको टीवी पे नज़र आएंगे, और हम आपको सबको अपने अंदाज से बधाई दे देते हैं, हो सकता है आप दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन हम अपने अंदाज में बधाई देते हैं, आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े, आप सबके नए साल में आप सबके सुख अमिताभ बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुंबई में प्रोग्राम है, और मराठी क्राउड मिक्स क्राउड है, और मराठी क्राउड भी रहेगा तो मराठी में प्रोग्राम काम करने का अलग ही मज़ा आएगा, और बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग, और एक फन फेस्टा लगा हुआ है, मज़े कर रहे हैं लोग, तो इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, और भांडुप में तो जी बिल्कुल, जैसे कि अभी 15 दिन बचा है न्यू ईयर आने वाला है, तो
15 दिन पहले से ही हमारे देश में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आप किस तरीके का परफॉर्मेंस आज देने वाले हैं और जैसे यहाँ के जो ऑडियंस जितने एक्साइटेड होते हैं, जैसे आप कॉमेडी करते हैं, क्या करने वाले हैं आज? ऐसे मतलब कुछ फिक्स नहीं है, जो लाइव में कभी कभी क्या होता है, गिव एंड टेक होता है, तो ऑन द स्पॉट कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें निकल आती है, तो थीम लेकर ही चलेंगे न्यू ईयर और अलग अलग बच्चों के लिए बड़ों के लिए जो कंसेप्ट हो गए उसको लेकर चलेंगे। मतलब आप सडनली सब कुछ करने वाले हो, जैसे डिसाइड नहीं? नहीं, आधा डिसाइड है और आधा सडनली भी है, लेकिन अभी क्या फ्लोर पे चलेगा वो हिसाब से उसको प्रेजेंट करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कॉमेडी दुनिया में काफ़ी जोरों शोरों से मतलब ज़्यादा हाइप पे है, जैसे कपिल शर्मा हो गए और भी बहुत सारे आजकल सभी कर रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, जैसे पहले के कॉमेडी में अभी के कॉमेडी में क्या डिफरेंस नज़र आता है? पहले कॉमेडी जो होती थी, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, अभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर छोटी सी क्लिप वायरल होती है, और अभी आप देखेंगे तो एक मिनट का 30 सेकंड की रील्स चलते हैं, तो अभी जो है वो काफ़ी स्कोप है कॉमेडी का, लेकिन कुछ कुछ लोग इसका डिसएडवांटेज उठाते हैं, जैसे कि फुहरता, वो समझते हैं कि अगर हम फुहरता फैलाए या फिर ऐसे कोई जोक्स बोले तो उसमें भी हमको अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी आप अच्छी तरह, अच्छा आपका कंटेंट होगा, आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, वही चीज़ चलेगी, और कॉमेडी ऐसी है कि आप फैमिली के साथ देखना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे भारत में आए सब ऑडियंस को, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और न्यू ईयर भी आ रहा है तो जैसे जो भी फैंस हैं आपको जो पसंद करते हैं, कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे न्यू ईयर में, क्या कहना? न्यू ईयर में क्या कहेंगे भाई, सबको यही कहेंगे कि भाई नया साल आ रहा है और हम पुराने साल के बस किनारे पे खड़े हैं, तो इन्जॉय कीजिए और ज़िंदगी इन्जॉय के लिए है, मतलब टेंशन तो हर दिन सबको है, तो उस टेंशन को दूर करते हुए हंसने हंसाना और हंसना चाहिए, और लाफ एक लाफिंग जो है वो अच्छा एक मेडिसिन है, तो वो अगर आप लाफिंग करेंगे तो आप और किसी दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं भांडुपकर का और आपके चैनल्स का, जो भी NBTV और जितने भी चैनल्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अब बेटा एक फ़ोटो लीजिए ना, ऐसे मूवमेंट करते हैं, पोज चेंज करते हैं। डन सर, थैंक यू। बताया गया कि आप लोग को पूछेंगे NBT नव भारत। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भांडुप में, जो प्रोग्राम फन फेस्ट आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जरूरत है कोरोना के बाद ऐसी महफिलें देखना अपने आप में, हमें लगता है कि जो चीज़ 2-3 साल हमने मिस की है एज अ आर्टिस्ट, एज अ कवि, एज अ परफॉर्मर, तो अब हमको ऐसी भीड़ देख करके लगता है कि वो दुनिया वापस लौट आई है जो दुनिया हमसे छूट गई थी, तो बहुत खुशी होती है यार। जी हम हंसाने वाले लोग हैं, हम हंसाते रहेंगे और गुनगुनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनाएंगे, लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहटें आएंगी, और हम लोग सटायर करते रहते हैं पॉलिटिक्स पे, किसी ने हमसे पूछा अभी कि भाग्य और दुर्भाग्य में क्या अंतर है, तो मैंने कहा कि मोहन यादव भाग्य हैं और शिवराज जी दुर्भाग्य। जी बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ ये देखा जाए, जैसे हंसाना आसान नहीं। जी बिल्कुल, पहले के दौर में जिस तरीके की कॉमेडी होती थी और अभी के दौर में जिस तरीके का जो हाइप आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपको क्या अंतर नजर? पहली चटनी जो है वो हमारे यहाँ एक पत्थर के सिलबट्टे पे पीसी जाती थी, बड़ा समय लगता था, तो उसका स्वाद उतना अच्छा होता था, अब आजकल हमने मिक्सी में डाला और रील देखते हुए हम मिक्सी घुमाते हैं और चटनी बन जाती है, तो उसका स्वाद थोड़ा सा फीका रहता है, तो बस कॉमेडी भी ऐसी जैसी है, पहले राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, ये लोग संघर्ष करके, लड़ करके, माइक खराब है, क्राउड नहीं मिल रहा है, वो लोग आए तो उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना स्ट्रगल किया कि उनकी कॉमेडी में बहुत डेप्थ था, अब का क्या है कि खुली शर्ट का एक बटन है और थोड़ा सा चिपनेस है, थोड़ा सा वेलगैरिटी है, लोगों को लगता है यही जीवन है, तो उसको लोगों ने कॉमेडी मान लिया, जबकि सच ये नहीं है, हमने भी कॉमेडी की प्रेमिका पे कम की वाइब पे ज़्यादा करते थे, इसके लिए हम लोग फेमस हो गए, अब का माहौल अलग है, लेकिन वो भी एक्सेप्ट है, हम इतना कहना चाहते हैं कि हम भारत एक
सांस्कृतिक प्रधान देश है, जहाँ पर कल्चर, संस्कार, भाषा, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो हम तमाम कलाकारों को वेस्टर्न फॉलो करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं फॉलो करना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को मिस कर जाएं कि हमारा अपना कल्चर क्या है। जी बिल्कुल सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, मौके नहीं मिलते, सोशल मीडिया की वजह से उनको वो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, या 10 लोगों को देख पा रहे हैं अपने मोबाइल से, वो शूट करके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। आज की तारीख में जितने बड़े सेलिब्रिटी स्टार मिले हैं हिंदुस्तान को, वो सोशल मीडिया से। मैं एक फोक सिंगर बताता हूँ, मैथिली ठाकुर, सोशल मीडिया की देन है। जाकिर, सोशल मीडिया की देन है। तो ये सारे लोग, कुणाल काबरा, सोशल मीडिया की देन है। हमारे ज़माने में टीवी था, टीवी हमारे ज़माने में दूरदर्शन था, उस पर होली के दिन एक प्रोग्राम होता था, उसमें आ जाते थे तो हम स्टार हो जाते थे, क्योंकि वो सारे लोग देखते थे। लेकिन अब जिसका जो मन है वो देखता है, जिसका मन जो है वो बोलता है। सही मामले में कलाकारों के लिए या टैलेंट के लिए लोकतंत्र अब आया है कि जो मन में आता है हम बोल लेते हैं, जो मन में आता है परफॉर्म कर लेते हैं, लोगों को एंजॉय करा देते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अब जो है उतना स्ट्रगल नहीं है जितना हमारे ज़माने में होता था। सही कहा आपने। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आज की पीढ़ी को, जैसे अभी नया साल आ रहा है, कुछ नए लोग जैसे आप फैंस है जो भी पसंद करते हैं आपको, या कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें देखने? हाँ जी, अभी मैं निश्चित रूप से मैं फिल्मों में काम करता हूँ, काफ़ी कुछ करते रहता हूँ, लेकिन मैं लाइव स्टेज ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। नई पीढ़ी को एक बात कहना चाहूँगा कि ना, रील और रियल में अंदर करना देखें। रील लाइफ जो है वो आपको थोड़ी देर के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ आप स्ट्रगल करके जाएंगे तो लंबा जाएंगे। आप बुक पे ज़्यादा बिलीव करें, न कि 30 सेकंड के रील पे ज़्यादा बिलीव करें। सोशल मीडिया में फेकपन इतना है ना, आज इतने डॉक्टर पैदा हो गए, इतने वैद्य पैदा हो गए, वो जो कह देते हैं, लड़कियाँ वो ट्राई करने लगती हैं, चेहरे खराब हो जा रहे हैं, कोई कुछ खा दे रहा है, बीमार हो जा रहा है, तो आप कितना बिलीव कर रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिलीव मत करो भाई, प्रधानमंत्री जी का AI ने उनका सब्स्टिट्यूट गरबा खिला दिया, और खुद इस बात को लेकर फिक्रमंद है। तो मैं कहता हूँ कोई चीज़ की अति अच्छा नहीं है, जितना भी है। नई पीढ़ी संघर्ष करके आएगी तो लंबा टिकेगी, अगर रील के वो देख करके इंस्पायर होकर के आएगी तो कम टिकेगी। रील जितनी छोटी उतना ही सक्सेस छोटा, जितना स्ट्रगल बड़ा उतना ही सक्सेस बड़ा। तो बड़ी मुस्कुराहट ढूंढिए, छोटी स्माइल मत ढूंढिए। धन्यवाद सभी लोगों। बहुत अच्छा, भांडुप की आवाम, अरे बाप, इनको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। आपने कहाँ मिलती है, मिलती है ऐसे भैया? अरे भैया, कमाल का शो, राशन कार्ड बने तो हमारा बना दो भांडुप का, भांडुप का यही बनेगा। हाँ, राजा का भी बने और रेंचो का भी बनना चाहिए, उसका आधार कार्ड भी है, और आपका भी बना दो जी, आपके पड़ोस में रह लेंगे। प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लगा भैया, ऐसे आयोजन देश में होते रहना चाहिए। दर्शकों ने जो तालियां दी उसके लिए वाओ, थैंक यू वेरी मच। ये तीन कलाकार को ऑडियंस ही जिंदा रखती है, ये बात ध्यान रखिए जी। और 3 दिन तक के सफल रहे रोटरियंस ने, जिस उम्मीद से कार्यक्रम की ओपनिंग के लिए हमें बुलाया, हमने अपना फर्ज निभाया, हमको बहुत भर भर के आशीर्वाद मिला है, और हम प्रणाम कर, कुणाल जी आ जाओ इधर, ये समेट के लाए हैं, ये इनके सिलेक्शन है सब के। हास्य के माध्यम से रोटरी क्लब की सेवा करने का मौका मिला, सो इसके लिए हमको बहुत खुशी है और आभारी है। रोटरी क्लब बहुत अच्छा, ये पहला साल है जिस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, और सर को आपने इनवाइट किया, इतने सम्मानित किया, कैसा लगा आपको? देखिए, मेरे को तो ये प्रोग्राम बहुत पहले से मैंने सपने में देख लिया था कि मैं अगर एहसान भाई को, दिनेश भाई को और राजू को बुलाऊंगा तो माहौल क्या बनेगा। राजा रेंचो को, ठीक है, रेंचो को छोड़ नहीं सकते अपन, तो ये मैंने सपने में ही देख लिया था, और सपने में देखने के बाद सार्थक करने के लिए मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया होगा, और वो एक फ़ोन भी आधा ही फ़ोन हुआ और सबकी सहमति आ गई, और आज सबके सब आज मेरे पास यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।